Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आइए अब हम चलते हैं गोवा, श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे. दर्शना जी पेडनेकर जी. माननीय दर्शना जी प्रणाम. आप बैठिए. नमस्कार सर. दर्शना जी आपके पास कितनी जमीन है और आप उस पर क्या खेती करती हैं? 4 एकड़ है सर. शेती करता भात भात लायता कलिंगण मिर्ची कांदा चवळी सगळी भाजी भी लाल भाजी मुळा वाल सगळी. इनके पास 4 एकड़ जमीन है. उसके ऊपर वो धान की खेती करती है. इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर मिर्ची जैसी खेती करती हैं. आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है. आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है. इतने सारे काम करने में एक तो आपको ये विचार कहाँ से आया? आपको किस किस प्रकार से मदद मिली? सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिली क्या? तुम्ही जे शेती करता है त्याशिवाय पोल्ट्री पण करता है त्याशिवाय बर्मी कंपोस्टिंग पण करता है ह्याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली आणि तुम्हाला सरकारकडून काय काय मदत मिळाली? सरकारकडून आमका मदत सगळे बिया मिळतात सगळे आशियारांसून. कंपोस्ट गायन हे केलेले असा, कोंबडी असा, माझ्याकडे गाय असा, म्हशी आहा, ते कंपोस्ट सगळे करून हांव शेतात घालता आणि म्हणजे त्याच्यावर पीक वाढयता. जास्त करून त्याच्यावर पीक भरपूर येतं. इनको जो है ट्रेनिंग आईसीआर से मिली है. इसके ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है वर्मी कंपोस्ट करती हैं. इसके सिवा इनके पास 50 बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है. इसके सिवा इनके पास 3 भैंस है, 2 गाय हैं और ये सब जो है वो केवीके के मार्गदर्शन के अंदर खेती करती हैं, ऐसे ये बोल रही हैं. अच्छा, मुझे बताया गया कि आप नारियल को प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं. एक तो मैं जानना चाहूंगा ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? आप तुम्ही नारळा मध्ये काय काय करता ते सांगा. नारियल पहिली सर आमका खूप जायतले आणि तेथून आता आमका मार्केटिंग जायना म्हणून आम्ही ते सुकयता आणि तेल काढता आणि 300 रुपयान आम्ही लिटर विकता बाटली 1 लिटर. तेथून आमका फायदा भरपूर असा. सर ये कह रही हैं कि पहले नारियल का उत्पन्न इनके पास अच्छा है. पहले जो है लॉकडाउन से पहले इनको नारियल का भाव बहुत अच्छा मिलता था लेकिन लॉकडाउन के कारण, टूरिस्ट ना आने के कारण इनको नारियल का भाव नहीं मिल रहा है. इसलिए इन्होंने नारियल को सुखाया, उनका तेल निकाला और 300 रुपये लीटर से वो तेल बेच रही हैं और ये बॉटल्स है उनकी. तो पहले से इससे ज्यादा फायदा हो रहा है? लॉकडाउन आपके फायदे में गया? नहीं, फायदा होता है. फायदा असा सर आमका खूप फायदा असा. वो कह रही है कि बहुत फायदा है इससे. अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं और छोटे किसानों के लिए तो बहुत काम आता है, वो आपको रेगुलरली आपके खाते में जमा होता है? जब भी हमने भेजा है, जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों के खाते में सीधी पहुंचाई है, आपको पहुंचती है? तुम्हाला किसान सम्मान निधी भेटली आहे का? हो, भेटलेली आहे सर. नारळ सर इन्हें टाइमली किसान सम्मान निधी मिल गई है. अच्छा, इस सम्मान निधि से आपकी मदद होती है, आपको फायदा होता है, लाभ होता है? हो सर, फायदा होता है, जास्त फायदा होता है. बहुत फायदा होता है सर. बहुत फायदा होता है. दर्शना जी, आप इस बात का स्वयं में एक प्रतीक है कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता. क्या तुम्हाला मराठी करावा लागता का? मराठी येते सर. स्वतः सर ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात आणि बी पण मी पेरते सगळं आणि मुलं पण माझी चांगली आहे शेतात काम करता. मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडियामध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी. आता रिटायर झालेले आहे. मी स्वतः सगळं काम करून शेतात पर्राला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगण लावत आहे. भरपूर पीक येत आहे कलिंगणाचं आणि आयशियरनसून आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत. आता
आणि पीक वाढवण्या पहिली आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक. म्हणजे स्वतः मी कलंगूट मध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात, आणि घरात मी स्वतः शेतात काम करून, एवढं काम असं मी शेतात काम करून माझ्या मुलांना 3 घरं बांधलेली आहे, आणि रस्ता पण बनवलेला आहे. रस्ता नव्हता मला, पण तो पण बनवलेला आहे रस्ता स्वतः शेतात काम करून. आणि मला शेतात काम करायला खूप म्हणजे अशी आवड आहे, लहानपणापासूनच आवड आहे. माझ्या बापाबरोबर मी, वडिलाबरोबर मी काम करत होती शेतात भरपूर पहिली. म्हणजे वडिलाकडसूनच मी शिकली काम सगळं शेतात. शिकायची, शाळेत जायची आणि येऊन मग घरात काम करायची आणि शेतात जाऊन काम करायची. म्हणजे अभ्यासही करायची आणि कामही करायची शेतात. ये बचपन से ही खेती कर रही हैं, अपने पापा के से ही इन्होंने खेती सीखी है, स्कूल से ही ये खेती करती आ रही है, और खेती कर कर के ही इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, 3 घर बनाया है, घर को जाने के लिए रास्ता नहीं था वो भी बनाया है, खुद जाके कलंगूट के मार्केट में ये अपनी सब उत्पादन बेचती हैं, और इससे इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है. ये खुद ट्रैक्टर भी चलाती है और हर खेत का काम खुद करती है. आप खेती भी करती है, ट्रैक्टर भी चलाती है, नारियल को भी प्रोसेस करती हैं, रास्ता भी बना देती है, आप पोल्ट्री का भी काम करती हैं, पीएम किसान निधि से लेकर बाजार की व्यवस्था तक, जीआई टैग से लेकर किसान रेल तक, और किसान कानूनों से लेकर के एमएसपी तक, आप देखती हैं कि भारत सरकार की लगातार कोशिश है, और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी भी बहुत सक्रिय रहते हैं, किसानों के विकास के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, और इसके कारण आपको काफ़ी लाभ भी हो रहा है. और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत आत्मविश्वास के साथ एक किसान और महिला किसान, और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे काम कर सकती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप बड़े आत्मविश्वास से बातें बताई. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. नमस्कार सगळ्यांना, माझे नमस्कार वडिलांना.